श्री अरुण गोविल, अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यत्वेन निर्वाचितः अस्मि ईश्वरस्य नामना शपे यदहम विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। अहम भारतस्य प्रभुतां अखंडतां चक्षुणां रक्षिष्यामि तथा यत्पदं ग्रहीतुम् अहम उद्यतः अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वकं निर्वक्षयामि। जय श्री राम, जय भारत। श्रीमती हेमा मालिनी धर्मेंद्र देओल, राधे राधे। मैं हेमा मालिनी, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधारमण जी, जय भारत माता की। मेजर फोकस इज सो मच ऑफ अ ट्रैफिक बिकॉज इट इज अ रिलीजियस टूरिज्म सेंटर है और पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं और एक एक दिन में इतने लाखों लोग आते हैं तो मैनेज करना मुश्किल होता है। वो इसलिए आते हैं कि अभी हम लोगों ने इतना अच्छा डेवलपमेंट किया है जिसकी वजह से सारी सुविधाएं मिल रही है तो लोग और भी आ रहे हैं, तो और भी आते हैं तो और भी अच्छा करना जरूरी होता है। वैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, मंकी का प्रॉब्लम है, यमुना का, और भीड़ जो आती है उसको मैनेज करना, बट इसके अलावा और सारे अच्छी चीज़ें बहुत सारे करना है, वो हम करेंगे। अच्छा, स्पीकर के लिए आज चल रहा था यहाँ पे, इंडिया ब्लॉक ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि राजनाथ सिंह सुबह कंसेंसस के लिए अपोजिशन पार्टी से भी बात कर रहे थे कि स्पीकर पद एनडीए के पास रहने दिया जाए। अभी वो लोग डिसाइड करेंगे, अभी उसमें मैं ज्यादा कुछ बोल नहीं सकती। किसको फिर भी हम तो ओम बिरला जी को ही चाहेंगे क्योंकि वो बहुत बढ़िया उन्होंने मैनेज किया, पूरा 5 साल ही वॉज एक्सेलेंट, ही मैनेज्ड सो वेल, सो हम लोग चाहेंगे।